Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. ऐसा प्रतीत होता है कि जलंधर ने गरुड़ को अपनी किसी माया से प्रभावित किया है, इसलिए उन्होंने अपना संतुलन खो दिया है। नियंत्रण होगा विष्णुदेव, अवश्य होगा। मेरे प्रिय बजश्रेष्ठ का तीनों लोकों पर। स्वामी गरुड़ तो स्वामी भक्त, फिर वो पथ भ्रष्ट कैसे हो गया? क्योंकि जलंधर ने वशिता सिद्धि का प्रयोग किया है। वशिता सिद्धि? वो क्या है पिताश्री? इस सिद्धि को प्राप्त कर साधक किसी भी जीव जंतु को अपने वश में करने की शक्ति प्राप्त करता है। गरुड़ को भी जलंधर ने इसी सिद्धि से अपने वश में कर लिया है। पिताजी, हमें नारायण की सहायता करने का कोई उपाय तो करना चाहिए। पुत्र कार्तिकेय, नारायण को कम मत आंको, स्मरण रखो। जलंधर ने गरुड़ को वश में किया है, नारायण को नहीं। उचित कहते हैं पिताश्री। शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे, शिवस्य हृदयं विष्णु, विष्णोस्य हृदयं शिवा। गरुड़, मैं आपको इस माया से मुक्त करता हूँ। उस नारायण को तो ऐसी अंतरिक्ष यात्रा पर भेजा है मैंने जो वो कभी नहीं भूलेगा। अब शिव को पराजित करने की बारी है। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, ज्ञात नहीं क्या हुआ था मुझे। मेरी रक्षा करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। इसमें आपका कोई दोष नहीं है गरुड़ जी। चलिए, इस समस्या को मैं एक ही बार में समाप्त करता हूँ। जी प्रभु। क्या होगा नारायण के प्रहार का परिणाम? श्रेष्ठ कांत कभी नहीं हो सकता, ये कदापि संभव नहीं है।
नारायण ने जलंधर के तन को अनेकों भागों में खंडित कर दिया और गरुड़ पर उसके सिद्धि प्रभाव को भी दूर कर दिया। मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि संकट अभी पूर्ण रूप से टला है इंद्रदेव। किंतु गणेश जी, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। उधर देखिए, जलंधर का तन अनेकों भागों में खंडित होकर पृथ्वी पर पड़ा। संकट टल चुका है, उसका अंत हो चुका है। किंतु गणेश, जलंधर की मृत्यु तो पिताश्री के हाथों होनी है, तो फिर ये कैसे संभव है? असंभव है ये। गरुड़ जी, अब समय आ गया है प्रस्थान करने का। अब यहां रुकने की कोई आवश्यकता नहीं, चलिए। जलंधर का हाथ पुनः गतिमान कैसे हो रहा है? जलंधर पुनः जीवित कैसे हो रहा है? प्रिय बलश्रेष्ठ भगवान है, मैं उनकी शक्ति हूँ और उनकी शक्ति उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है, इसलिए उन्हें कुछ नहीं हो सकता। ये हो क्या रहा है? जलंधर के खंड तंग अभी तक जीवित कैसे? जलंधर का अंत पिताश्री के हाथों ही नियत है, किंतु ये मामा जी को ज्ञात नहीं। यदि जलंधर पुनर्जीवित हुआ तो मैं उसका वध पुनः करूंगा। मुझे मामा जी को ये बताना ही होगा कि जलंधर का वध उनके द्वारा नियत नहीं, अन्यथा वो बार बार जलंधर का वध करते रहेंगे और वो दुष्ट पुनर्जीवित होता रहेगा। मामा जी सुनिए। गणेश, तुम यहाँ? मामा जी, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आप व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं। हाँ, जलंधर पिताश्री की क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए पिताश्री के हाथों ही उनका वध संभव है। इस अवस्था में तो हमें महादेव के पास ही चलना चाहिए। तुम चलो, मैं आता हूँ। जीवित हो और मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। ये तो गरुड़ जी को नीचे खींच रहा है। अति की तो कोई सीमा ही नहीं छोड़ी इस दुष्ट ने, जो अब ये मामा जी के वाहन गरुड़ जी को भी आहत करने का प्रयास कर रहा है। प्रभु, मेरे भ्राता को क्षति पहुंचाने का प्रयास कर रहा है ये दुष्ट। क्या भागोगे नारायण? तुम्हारे स्वान को नीचे खींच के ले जाऊंगा नारायण। नारायण,
प्रभु। जलंधर छोड़ दो गरुड़ जी को, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। ये तो कदाचित उससे विपरीत है जो मैंने जलंधर से कहा था। अब उस मूर्ख के बचाव का कोई मार्ग नहीं। नारायण के वार से मेरा अंत तो कदापि नहीं हो सकता, किंतु यदि मैं आहत भी हुआ तो नारायण को उसके वाहन से मुक्ति दिलाने के सुनहरे अवसर को गवा बैठूंगा मैं, जो भगवान सर्वश्री जलंधर कभी नहीं मिलेगा। बस जलंधर, अब तुम्हें रोकना ही होगा मुझे। प्रभु, प्रणाम माँ। माता काली, ये देवी कहाँ से उत्पन्न हो गई? देवी महाकाली का क्रोध तो अत्यंत विनाशक होगा। ये माता काली रुक क्यों गई? हाँ, स्तब्ध रह गई है देवी मुझे देखकर। चढ़ोगे पांव इस देवी के, असमर्थ है आगे बढ़ने में, मुझ पर वार करने में। आओ काली, मुझे सिर्फ समझने की भूल कर बैठी हो क्या? कोई बात नहीं, उसके लिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। किंतु देवी, मैं शिव नहीं, उससे भी महान मानतम भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। मेरे स्वामी, जगत पिता महादेव से अपनी तुलना करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने अहंकारी असुर? आओ काली, आओ, देख रहे हो शिव, शरणागत बनने आ रही है तुम्हारी देवी।
शर्म नहीं, कदाचित आक्रमण करने आ रही है ये। कोई बात नहीं, आक्रमण कैसा भी हो, विजय तो मेरी होगी। भी स्त्री ये कदापि सहन नहीं करेगी कि कोई अन्य पुरुष उसके पति का स्थान लेने का प्रयास करे। महादेव से अपनी तुलना कर देवी काली के प्रचंड क्रोध को जागृत किया है जलंधर ने। स्वयं अपनी मृत्यु को ललकारा है, क्योंकि यदि एक नारी सहनशील होती है तो अन्याय का संहार करने के लिए अपनी अपार शक्ति का संचार भी कर सकती है। इसलिए देवी काली के द्वारा जलंधर का अंत अब निश्चित प्रतीत हो रहा है। स्वामी, आपकी ही क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ है ये, और स्वयं को आपसे भी बड़ा समझने की उद्दंडता कर रहा है। इसका उचित दंड अवश्य प्राप्त होगा इसे। माँ, आप जलंधर को दंड अवश्य दे सकती हैं, किंतु उनका अंत तो पिताश्री के द्वारा ही संभव है। उठिए बलश्रेष्ठ, उठिए, अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन कीजिए, प्रमाणित कीजिए कि आप भी वास्तविक भगवान हैं। उठिए परशुरेश। उठूंगा, अवश्य उठूंगा मैं। जलंधर, भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर पर वार करने की बहुत बड़ी भूल की है तुमने। नारायण, इस दुष्ट का वध तो मैं ही करूंगी, आप इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अत्यंत कुपित है देवी काली, इस समय उन्हें कुछ कहना उचित नहीं होगा। उनका अपराधी है जलंधर, जिसका दंड तो उसे प्राप्त होना ही चाहिए। जैसी आपकी इच्छा देवी। काले, तुम्हारे इस रूप से आतंकित नहीं हूं मैं, आज साधारण से नहीं, भगवान सर्वश्री जलंधर हूं मैं। तो नहीं, मैं करूंगा तुम्हारा भक्षण अपने विशेष अस्त्र से। तेरे इस पाप मुख से अब एक भी अनुचित शब्द का उच्चारण उचित नहीं है उद्दंड असुर, अब तेरा अंत निश्चित है। प्रतीक्षा कर रही है। मेरा नहीं, मेरे मार्ग में बाधा बनने वालों का अंत होगा आज।
सकता मेरा कोई नहीं। ये क्या है? इनसे अपनी रक्षा कैसे करूं? तुम्हारे प्रत्येक वार का उपाय है मेरे पास। देवी होगी तुम, किंतु मुझसे अधिक शक्तिशाली नहीं। मूर्ख जलंधर दया निधान है, न्यायप्रिय है महादेव। तू उनके प्रति अपराध पर अपराध करता गया और वो तुझे क्षमा करते गए, किंतु उनकी दया को उनकी दुर्बलता समझने की जो भूल तूने की है, उसका उचित दंड मैं दूंगी तुझे। तेरे साथ तेरी दुष्टता का भी अंत करूंगी मैं। माता काली के हाथों से भी दंड का भागी है ये दुष्ट, किंतु इनका अंत तो तभी होगा जब पिताश्री इनसे युद्ध करेंगे। जलंधर के अंत का आरंभ है ये, देवी काली का रोष उसे चीर के रख देगा। प्रिय भद्रेश का अंत तो असंभव है, क्योंकि मैं जीवित हूँ। ये देवी उन्हें ताड़ना कैसी दे रही है? कोई भी हो, कैसी भी शक्ति हो, मुझे पराजित नहीं कर सकती। ये क्या है? मुझे अपने पास में बांध लिया इसने। जलंधर, अब तुझे खींचते हुए ले जाऊंगी महादेव के पास क्षमा याचना करने। भगवान सबसे जलंधर का सम्मान करा भी नहीं सोंगा। माता, जो नियति द्वारा निर्धारित है वो तो होकर ही रहेगा। उचित है बलश्रेष्ठ, उचित पाठ सिखाइए इसे। काली, बस जलंधर, अब और अवसर नहीं दूंगी तुझे। देवी हो तो देवी बनी रहो, मुझे चुनौती देने का दुस्साहस मत करो। जलंधर नहीं, भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूँ मैं। देवी काली से उलझकर जलंधर ने बहुत बड़ी भूल की है।
संसार की समस्त शक्ति की स्रोत स्वयं आदि शक्ति की रौद्र रूप है वो, उनसे किसी का पार पाना असंभव है। माता ने भुजाहीन कर जलंधर को दंडित तो कर दिया, किंतु मैं उस क्षण की प्रतीक्षा में हूँ जब उनके अंत के साथ संसार इस संकट से मुक्त होगा। उस दुष्ट जलंधर को आभास तो अवश्य हो गया होगा कि भगवान तो क्या, वो तो उनके चरणों की धूल बनने के योग्य भी नहीं। देवी काली उचित दंड दे रही है जलंधर को। अरे मेरी भुजा मेरी तन से विलक कर दी से। दुष्ट जलंधर, अपनी इसी भुजा से नारायण पर वार करने का अपराध किया था तुमने, तो लो तुम्हारी भुजा को तुम्हारे तन से विलक कर दिया है मैंने। अपने अहंकार में सृष्टि के चक्र को विपरीत दिशा में घुमाकर सृष्टि में व्याप्त जीवन को डसना चाहते थे ना तुम, तो अब जीवित ही लील जाऊंगी मैं तुम्हें, आहार बनाऊंगी अपना। मायावनी ये क्या कर रही हो, यहाँ चित है, छोड़ दो मुझे। जलंधर के महासंकट का अंत कर दिया। संकट अभी समाप्त नहीं हुआ, मुझे शंका है वो पुनः उभरेगा। ये नहीं हो सकता, मेरे प्रिय बल श्रेष्ठ देवी के उधर में कैसे संभाल सकते हैं। साधारण असुर नहीं हूं मैं, भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। अंत असंभव है मेरा, मुझे रोकने का सामर्थ्य कैसे में नहीं। ये तो माता काली के नियंत्रण से मुक्त हो गए, उनके उधर से बाहर आ गए। मुझे विश्वास था, जानती थी मैं कि मेरे प्रिय बल श्रेष्ठ का कोई अहित नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। ये कैसे संभव है, माता बार बार आघात कर इसका वध कर रही है और प्रत्येक बार ये पुनः जीवित होता है,
क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? क्योंकि पिताश्री के अतिरिक्त कोई अन्य शक्ति जलंधर का वध नहीं कर सकती। पिताश्री जलंधर आपकी ही क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ है, इसलिए आप और एकमात्र आप ही उसका अंत कर सकते हैं। हाँ पिताश्री, यही सत्य है, एकमात्र आपके ही द्वारा जलंधर का अंत संभव है। मेरी क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ है तो मेरा क्रोध इसे दंडित करने का कारण बनेगा। अब मेरे और जलंधर के मध्य कोई नहीं आएगा। व्यक्ति के शक्तिशाली होने के बाद भी अहंकार का मत उसे सत्य समझने नहीं देता। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।